ये गुलाब की हालत देखिए, कितनी खस्ता है। छोटे छोटे फूल, वो भी एक दिन में मुरझा के गिर जाते हैं। ये देखिए, आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे इसके फूल जो हैं थोड़े घने रहें और एक दिन में ना झड़ जाएं। एक दिन में क्या, ये कुछ ही घंटे में खिलने के बाद झड़ के गिर जाते हैं। और क्या कमी आ गई है, किस कारण से ये होता है? देखिए, अगर आप गमले में किसी पौधे को लगाते हैं तो उसमें आपको एक्स्ट्रा उसकी केयर करनी ही पड़ती है। और गुलाब का पौधा जो है, इसे फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए रहता है। अगर आप चाहें तो अपने गमले में जो है खाद, एक मिक्स, अच्छी सी रोज़ मिक्स जो रेडीमेड आता है वो डाल सकते हैं। लेकिन आप रेडीमेड रोज़ मिक्स ना डालना चाहें तो मेरी तरह उसका सब्स्टिट्यूट कुछ यूज़ कर सकते हैं इधर उधर, जिसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ये देखिए, खाद डालने के एक दिन बाद का हाल, वो जो कली थी वो खिल गई। ये देखिए, ये कली खिल गई है, एक ही कली जो कल दिखाई थी मैंने आपको। और लेकिन ये थोड़ी हेल्दी दिखाई दे रही है। ये जो है, ये इनके फूल खिलने के बाद ही झड़ ही जाते हैं और सुंदर दिखाई नहीं देते। एक गुलाब के फूल जैसे जैसे दिखना चाहिए, बगल में पौधे के जाइए, एक गुलाब की महक आने लगती है वैसा। और ये लगभग 10 दिन बाद का हाल है। ये देखिए, तो ये देखिए, ये गुलाब का जो फूल है, इसकी साइज़ काफ़ी बड़ी हो गई है, इनकी पंखुड़ियाँ बड़ी हो गई हैं, इनकी पंखुड़ियाँ काफ़ी घनी हो गई हैं। ये देखिए, ये देसी वैरायटी का गुलाब है, इसलिए ये इसका परफेक्ट साइज़ है। इससे बहुत ज़्यादा बड़ा इसमें जो है गुलाब कभी नहीं खिलता। तो ये इसका साइज़ है, बहुत सुंदर गुलाब खिला हुआ है। ये देखिए, ये 10 दिन बाद का हाल है और इसमें बहुत सारी कलियाँ चारों तरफ खिली हुई हैं। तो मैं आपको बताता हूँ मैंने इसमें खाद में क्या डाला। मैंने थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट ली, और आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट के साथ जो है बोन मील डाल सकते हैं, क्योंकि फूल खिलने के लिए गुलाब को फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा चाहिए रहता है, वो आपको बोन मील से मिल जाता है। लेकिन बोन मील जो है वो थोड़ा, बहुत सारे लोग जो हैं यूज़ करने में कतराते हैं, जैसे मैं भी, तो उसका केमिकल सब्स्टिट्यूट आप यूज़ कर सकते हैं मेरी तरह। मैंने इसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट जो है वो यूज़ किया है, और एक बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, उसके दाने एक चम्मच में, एक छोटा सा चम्मच वर्मी कंपोस्ट में मिला के उसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट मैंने मिला दिया और इसके चारों तरफ जो है छिड़क दिया। और लगभग 10 दिन बाद ये देखिए रिजल्ट आपको मिल गया। अगर आप भी ऐसा रिजल्ट चाहते हैं अपने फूल के लिए, तो आप भी मेरी तरह ये फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच।